नमस्कार। आज मुझे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बने एक वर्ष पूर्ण हुआ। आज ही के दिन मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे लोकसभा क्षेत्र डिब्रूगढ़ जनता का, जिन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल कर राष्ट्र सेवा का सुअवसर प्रदान किया। हमारे मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में 82 प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अधीन पूर्ण किया, जिनके द्वारा 9.63 लाख मेट्रिक टन का वार्षिक प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी का सृजन हुआ। इन प्रकल्पों के द्वारा तकरीबन 40,600 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। पिछले एक वर्ष में 193 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, जिनके द्वारा तकरीबन 1,950 करोड़ की निवेश का अनुमान है और 65,800 रोजगार की अवसर सृजित होंगे। नॉर्थ ईस्ट में पिछले वर्ष 22 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए और 175.84 करोड़ की सब्सिडी स्वीकृत हुई। हमारा मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के लिए बद्ध परिकर है। माइक्रोफूड एंटरप्राइज के विकास के लिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रोफूड एंटरप्राइज स्कीम की घोषणा की गई है, जिसके द्वारा 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक माइक्रो एंटरप्राइज को अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम के द्वारा तकरीबन 9 लाख स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस स्कीम का परिमाण 10,000 करोड़ है और ये 5 वर्ष के लिए है। हमारे मंत्रालय ने इस वर्ष टॉप स्कीम में बाकी सब्जियां एवं फल को भी शामिल किया गया है। इसके द्वारा COVID-19 महामारी के दौर में किसान को उनकी फसल एवं सब्जी का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस वर्ष फरवरी में हमारा मंत्रालय ने महिला को उत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया, जिनमें अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और तकरीबन 600 B2B मीटिंग का आयोजन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में कोविड महामारी ने पूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारत में भी उद्योग जगत को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मंत्रालय ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की समस्या का समाधान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है और जितने भी इशू हमारे संज्ञान में लाया गया है उनका निवारण किया गया है। हमने लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 20 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं हमारी स्कीम के प्रमोटर से उनकी समस्याओं को सुना और उनकी निवारण करने के लिए कदम उठाया। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर हमारा मंत्रालय को योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वर्ष में कई राज्यों का भ्रमण किया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कर्मशाला में भाग लिया तथा इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट लगाने की मैंने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के भ्रमण किया, लोगों से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में अवगत करवाया। मुझे हर्ष
है कि मैं असम गत वर्ष 3 मिनी फूड पार्क का आवंटन किया। मैंने नॉर्थ ईस्ट की सभी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने को आह्वान किया। नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हॉर्टिकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट का संभावनाओं बहुत है। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल कल्याण की भावनाओं को हृदय में रखकर काम कर रही है। आशा करता हूँ आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।